तो दोस्तों ये है Redmi 13C का 4G वेरिएंट, जिसे मैं इस फोन को 2 महीने से ज्यादा से यूज कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ कि इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या फीचर्स है और क्या कमियां हैं। एंड ये फोन Redmi 13C का 4G वेरिएंट है, जिसका प्राइस है 7,700 रुपया। और ये फोन Redmi 13C 5G से अलग है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आपको Redmi 13C का 5G वाला वेरिएंट का रिव्यू किए होंगे, लेकिन इस वीडियो में मेरे पास Redmi 13C का 4G वेरिएंट है, जिसका आज के इस वीडियो में रिव्यू करूंगा। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। देखो, इस फोन की अगर बात करें डिजाइन की, तो ये फोन काफी बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। जैसे कि आपको देखने के लिए मिल जा रहा होगा एप्पल का सेट, उसी तरीके से ये भी फोन का लुक्स कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। अब बात करते इस फोन की नीचे के टाइप में, तो यहाँ पे आपको टाइप सी का आपको चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, एक यहाँ पे सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। साइड में अगर मैं बात करूं तो पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने के लिए मिल जाता है। इस साइड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने के लिए मिल जाता है, जिसको मैं आपको निकाल करके दिखाऊं, तो इसमें आप आराम से 2 सिम और 1 SD कार्ड यूज कर सकते हो, जो कि भाई मेरे को जबरदस्त लगा, क्योंकि काफी सारे फोन में 1 सिम और 1 SD कार्ड यूज कर सकते हो, अदरवाइज 2 सिम अदरवाइज SD कार्ड नहीं यूज कर सकते हो। लेकर की मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो 3.5 mm का यहाँ पे हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि अभी के समय पे सारे कंपनी हेडफोन जैक को हटा रहे हैं, लेकिन इस फोन में आपको हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाता है। और बात करते हैं इसकी बैक की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है उसके। तो दोस्तों ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1080p हो रहा है, जो कि 30 fps पे इस फोन के बैक कैमरा से हो रहा है। और जो इसका माइक का आवाज भी है, जो कि बिना कोई एडिटिंग के, जो कि कैसा लगा कमेंट सेक्शन में करके बताओ। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो इस वाले फोन से बैक कैमरा से। बाद इस बैग की मैं बात करूं, तो ये एक प्लास्टिक का बैग है, तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। और यहाँ पे आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ साइड में भी भाई जबरदस्त है। और इस फोन के इन हैंड फील की मैं बात करूं, तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा फोन बड़ा है, लेकिन हाँ इन हैंड फील भाई अच्छा लगता है। हाँ यहाँ पे मैं बात करूं, आप एक हाथ से आप फोन को यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई ठीक ठाक फोन है। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की, तो ये फोन का डिस्प्ले 6.67 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। और इस फोन की अगर ब्राइटनेस की मैं बात करूं, तो 600 nits तक देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि अगर आप YouTube पे कोई भी वीडियोस को प्ले करते हो, तो इसमें आपको 4K प्लस 60 fps पर वीडियो को प्ले कर सकते हो विथ 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। उसके बाद इस फोन के अगर बेजल्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पे देख सकते हो बेजल्स थोड़ा मोटे मोटे है, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस है उसके हिसाब से भाई इतने मोटे मोटे बेजल्स तो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कवर वगैरह यूज करते हो तो आपके बेजल्स तो हैं थोड़े पतले दिखते हैं, बट उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेजल्स भी भाई देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि उतने भी खराब देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस फोन की फ्रंट कैमरा की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप नॉच के साथ देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इनको ड्रॉप नॉच के जगह पे पॉन्च होल के साथ यहाँ पे रेडमी को चाहिए था कि इस फोन में देना था, बाकी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे हमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। बात करें इस फोन की कैमरा की, तो 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ देखने के लिए मिल जाता है, और जो थर्ड वाला कैमरा है वो आपको लेंस का काम करता है, तो भाई ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे हम बात करें इस फोन की सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। यदि अगर आप दोनों कैमरा से, यानी कि बैक कैमरा से और अगर आप फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हो, तो यहाँ पे आपको 1080p में 30 fps तक रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो 1080p पर देख रहे हो, जो कि 30 fps पे फ्रंट कैमरा से देख रहे हो, भाई अगर आप इससे नॉर्मली ब्लॉगिंग करते हो तो भाई ठीक ठाक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल वगैरह क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मतलब की काम चल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो हैंड को पूरा ऊपर करके रखा हूं, तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आप बताओ कि आपको कैसा इसका वीडियो लगा। और हाँ ये जो रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं है बिल्कुल, ये फोन का ही आवाज भी है। और यहाँ पे माइक भी जबरदस्त आपको देखने के लिए मिला, क्योंकि मैंने इसको टेस्टिंग किया, भाई जबरदस्त लग रहा है, आवाज भी सही कैप्चर कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ Redmi 13C से फोटो कुछ क्लिक किया हूं, जो कि आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आपको फ्रंट कैमरा से देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद इसका पोर्ट्रेट मोड देख सकते हो, उसके बाद ये देख सकते हो आपको
बैक कैमरा से वाइड भी कुछ यहाँ पे देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मैं फोटो शूट किया हूँ। आप कमेंट करके बताओ कि ये कैसा फोटो लगा। अब मूव करते हैं इस फोन की बैटरी की ओर। तो इस फोन में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाता है, जो की भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। और इसके साथ ही इस फोन में आपको 18 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है। और ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ 192 ग्राम को देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि उतना हैवी नहीं है, लेकिन हाँ इन हैंड फील में भाई जबरदस्त फील आता है। अब देखते हैं वो चीज जो कि आपके भी स्लो हो चुके हैं, आई मीन दिमाग। बात करें इस फोन की दिमाग की यानी कि प्रोसेसर की, तो हमें इस फोन में मीडियाटेक G85 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसके साथ ही ये फोन एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है विच MIUI 14 विच इज डेफिनेटली गुड। तो दोस्तों अब यहाँ तक आप आ ही गए, तो अब इस फोन का गेमिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, टेस्ट करके दिखाऊंगा क्या ये BGMI अच्छा खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो चलिए आपको एक्सपीरियंस करके अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ये फोन आपको HD पर हाई और स्मूथ पर अल्ट्रा पर गेमिंग आपको करा देता है। अब बात करें इस फोन की कंक्लूजन की, तो मैंने अपना खुद का पूरी बात बता दी। एंड मैं इस फोन पे अपना थॉट दू तो अगर आप इस फोन को नॉर्मल यूज के लिए खरीदते हो तो आपके लिए बेस्ट वैल्यू फोर हो सकता है, जो कि 7000 में भाई कितना ही आपको बेस्ट दे सकता है, लेकिन हाँ 7000 के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको बेस्ट कैमरा वाला बेस्ट गेमिंग फोन वाला फोन चाहिए तो और भी मार्केट में अदर्स फोन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर उन सब सारे पे वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में लिखो वीडियो और मैं आपको उस पे वीडियो लाऊंगा। एक इम्पोर्टेंट बात की, अगर आप पटना और आरा से बिलोंग करते हो तो अगर आपको सस्ते फोन चाहिए डिस्काउंट पे तो ये देख सकते हो साइड में एड्रेस, यहाँ पे जा करके आप ट्राई कर सकते हो, आपको सस्ते सस्ते फोन मिल जाते हैं। और इसका गूगल मैप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उनसे आप आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और कोई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।